दोस्तों हाल ही में हमने यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच AUKUS नाम की एक ट्राइलेटरल सीरीज पैक्ट का अनाउंसमेंट देखा, जिसके तहत यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक्वायर करने में मदद करेंगे। 15 सितंबर 2021 को साइंड इस डील के अंडर तीनों देशों के बीच साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और अंडरसी कैपेबिलिटीज डोमेन में भी कॉपरेशन देखा जाएगा। इस डील से डायरेक्ट तौर पे दो देशों को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिसमें फ्रांस और चाइना शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने AUKUS से पहले फ्रांस के साथ एक 56 बिलियन यूरोस की सबमरीन डील करी थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बिना प्रायर नोटिस दिए कैंसिल कर दिया, ऐसा फ्रेंच साइड का कहना है। इस डील के तहत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया में 12 सबमरीन्स डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करने वाला था। इस अब्रप्ट कैंसिलेशन को स्टैब इन द बैक बताते हुए फ्रांस ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी और अपने एम्बेसडर्स को ऑस्ट्रेलिया और यूएस से वापस बुला लिया। वहीं AUKUS के फॉर्मेशन से चाइना सबसे ज्यादा प्रभावित है। साउथ चाइना सी में पहले से तनाव झेल रहे चाइना के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में न्यूक्लियर पावर्ड हॉस्टाइल ऑस्ट्रेलियन नेवी एक और चैलेंज के रूप में उभरती नजर आ रही है। हालांकि खुले तौर पर AUKUS सदस्यों ने चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन व्हाइट हाउस सोर्सेज ने बताया है कि इस एग्रीमेंट का अल्टीमेट एम इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। दोस्तों इन दो देशों के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के कुछ देश हैं जो इस एग्रीमेंट को रीजन में बढ़ते हुए मिलिटराइजेशन की तरह देखते हैं और अपने कंसर्न्स व्यक्त करते हैं। आसियान के ये देश इस डील से एक टेंस एनवायरनमेंट के फ्यूचर बिल्डअप होने की आशंका जताते हैं, जो फ्यूचर में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो सकता है। आज के हमारे वीडियो का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन के इन्हीं कंट्रीज का कंसर्न समझना है, जिसके कारण वो इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। इस डिस्कशन के माध्यम से हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसे AUKUS डील ने एक नया मोड़ दे दिया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इस्माइल साबरी याकोन ने इस बात की आशंका जताई है कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच कंक्लूड किए गए इस थ्री वे डिफेंस अलायंस से इंडो पैसिफिक रीजन में न्यूक्लियर आर्म्स रेस ट्रिगर हो सकता है। इंडोनेशिया का साथ देते हुए मलेशिया ने अलार्म्स रेस किए हैं कि AUKUS पैक्ट ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स एक्वायर करना और मिलिट्री बिल्टअप के कारण इंडो पैसिफिक रीजन में डीस्टेबिलिटी आ सकती है, जो कोविड का इंपैक्ट झेल रही इकोनॉमीज के लिए खतरा है। मलेशियन पीएम ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन से फ्राइडे को इस बात पर चर्चा करते हुए अपने कंसर्न्स बताए कि इस तरह के मिलिट्री बिल्टअप से इस रीजन के दूसरे पावर्स ज्यादा एग्रेसिवली एक्ट करेंगे, स्पेशली वो पावर्स जो साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की तरह मलेशिया भी यूएस बैक्ड वेस्टर्न अलायंस और चाइना के बीच किसी को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता। आसियान एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, जिसने नॉन मिलिट्री स्टैंड रखते हुए डेवलपमेंट्स अचीव किए हैं। ऑल्दो आसियान मेंबर्स के चाइना के साथ साउथ चाइना सी के कंट्रोल को लेकर डिस्प्यूट्स आज भी हैं, लेकिन यदि आसियान के ओवरऑल अप्रोच को देखा जाए तो वो आज भी पीस, फ्रीडम और न्यूट्रैलिटी की डिमांड करते हैं। हाल ही में मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने चाइनीज एम्बेसडर ओयांग यूजिंग को रिसीव करते हुए दोनों देशों के बीच बायोलिटरल कोऑपरेशन के फ्यूचर एक्सपेंशन की बात कही थी। इस्माइल को मलेशिया के लास्ट पीएम मुहिद्दीन यासीन के फोर्स रेजिग्नेशन के बाद लास्ट मंथ ही पीएम बनाए गए हैं। उन्होंने 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी और द साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंस पे स्ट्रेस दिया है। दोस्तों दिसंबर 1995 में साइंड साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन एग्रीमेंट या ये ट्रीटी ऑफ बैंकॉक इस इम्पैक्ट में इन्वॉल्व पार्टीज को किसी भी तरह से न्यूक्लियर डिवाइस के रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्विजिशन, पोजेशन या कंट्रोल में पार्टिसिपेट करने से प्रोहिबिट करती है। इस प्रोटोकॉल के तहत हर इन्वॉल्व स्टेट इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो ना तो इस ट्रीटी में इन्वॉल्व किसी स्टेट के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा या उसे थ्रेटन करेगा, बल्कि इस पूरे जोन में भी किसी भी पार्टी के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा। यदि इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया ने भी इस डील के ऊपर चिंता व्यक्त की है। इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक्वायर किए जाने के ऊपर कंसर्न्स जताते हुए इस रीजन में आर्म्स रेस और पावर प्रोजेक्शन के लिए कैटलिस्ट बताया है। इंडोनेशिया की लोकसभा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ने भी प्रेसिडेंट जोको विडोडो को AUKUS डील के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने को
अर्ज किया है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन के एक प्लान्ड विजिट को भी कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटे देश किरिबाती के प्रेसिडेंट ने भी इस डील को रीजन के लिए रिस्क बताया है। 1957 से 1962 के बीच यूएस और यूके ने किरिबाती में कई न्यूक्लियर वेपन्स भी टेस्ट किए हैं। इस कारण से वो आज न्यूक्लियर सबमरीन्स के डेवलपमेंट को लेकर चिंतित है। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा एडम ने स्टेटमेंट इशू करते हुए न्यूजीलैंड के स्टैंड को क्लियर किया और ये बताया कि उसके टेरिटोरियल वाटर्स में किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन को परमिट नहीं किया जाएगा। एडम ने यह भी बताया कि तीनों मेंबर कंट्रीज न्यूजीलैंड की न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी से वाकिफ हैं और वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के पोजीशन को भली भांति समझती हैं। वहीं वियतनाम ने एक डिप्लोमेटिक स्टैंड अपनाते हुए AUKUS के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डायरेक्ट कमेंट ना करते हुए केवल इतना कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग केवल पीसफुल पर्पजेस के लिए होना चाहिए। दोस्तों, जहां एक और इन देशों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन्स को एक्वायर करने के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया जताई है, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों ने इसका समर्थन भी किया है। फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट को वेलकम करते हुए इसे बैलेंस क्रिएट करने का एक टूल बताया है। फिलीपींस ने AUKUS को साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन ट्रीटी का वायलेटर मानने से भी इनकार कर दिया है। दोस्तों, ताइवानीज वाइस प्रेसिडेंट लाई चिंग ती ने भी इस पैक्ट को वेलकम कर इसे डेमोक्रेसी, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बताया है। दोस्तों, AUKUS मिलिट्री पैक्ट आसियान कंट्रीज के लिए तो कंसर्न है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये एक डबल एज स्वॉर्ड प्रूव हो सकता है। ऑस्ट्रेलियंस के लिए यूएस से सिक्योरिटी मैटर्स में इतना क्लोजनेस बढ़ाना इंडिपेंडेंट जजमेंट और एक्शन की कैपेसिटी के लिए बैरियर बन सकता है। वियतनाम और इराक में यूएस को सपोर्ट करने के बावजूद आज ऑस्ट्रेलिया इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यदि फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया किसी वॉर में इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट साइडलाइन कर उसका साथ देगा। किसी क्रूशल सिक्योरिटी डिसीजन के लिए नेशनल जजमेंट को कंसीडर करना ऑस्ट्रेलिया के लिए बेटर ऑप्शन होगा, ना कि टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए यूएस के साथ एक फॉरएवर पार्टनरशिप का बोझ कैरी करना। AUKUS एग्रीमेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ सबमरीन कंपोनेंट बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और मिसाइल रिलेटेड सिस्टम्स में भी यूएस से बाइंड होता हुआ दिख सकता है। ऐसा होने पर यदि यूएस द्वारा ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री की डिमांड आती है तो इसे इनकार करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कठिन होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी असिस्टेंस की कीमत क्या एक सोवर्न देश को अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगाकर एक्वायर करना सही होगा। आज ऑस्ट्रेलिया AUKUS एग्रीमेंट में कितना भी चाइना का नाम मेंशन करने से बच रहा हो, लेकिन इस बात को पूरी दुनिया समझ रही है कि इसे चाइना के राइज और असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। मॉरिसन गवर्नमेंट द्वारा अनसर्टेन और बदलते हुए रीजनल इन्वायरमेंट को लेकर रेफरेंस देना इन स्पेकुलेशंस को और बढ़ावा देती है। यदि एक नज़रिए से देखा जाए तो ऐसे मैसेजेस इससे पहले भी चाइना को मिलते रहे हैं, जहां रीजनल प्लेयर्स एक इवॉल्विंग विल शो करते हुए स्ट्रॉन्गर डिफेंस और कॉपरेशन डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया द्वारा क्वाड का फॉर्मेशन। लेकिन इसी समय चाइना के साउथ चाइना सी में बिहेवियर को लेकर ओवर रिएक्ट करना ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस रीजन में चाइना अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज कर अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने की रेस में है, जिसे वो ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन इसे इनविटेबल वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखना एक अननेसेसरी रिएक्शन होगा। AUKUS पैक्ट के अंडर प्रपोज सबमरीन्स और दूसरे डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स को ऑस्ट्रेलिया के ओवरऑल थ्रेट रिस्पॉन्डिंग फीचर को इम्प्रूव करना जरूरी है, जिससे वो रीजन में किसी भी हॉस्टाइल एलिमेंट से डील कर सके, ना कि केवल किसी एक देश को नज़र में रख इसे एक्वायर करना सूटेबल है। AUKUS के अनाउंसमेंट से नेगेटिव चाइनीज रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है, जो दोनों देशों के बीच के पहले से ब्रिज हुए संबंधों को और हैम्पर करेगी। लेकिन चाइना के लिए ये कोई बड़ा शॉक साबित नहीं होगा, क्योंकि क्वाड फॉर्मेशन के बाद से ही चाइना US ऑस्ट्रेलिया अलायंसेस के फर्दर डीपनिंग को एक्सपेक्ट कर रहा था। दोस्तों, आज तक ऑस्ट्रेलिया के US के साथ जहां प्राइमरी सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स रहे हैं, वहीं चाइना के साथ प्राइमरी इकोनॉमिक रिलेशंस रहे हैं। ये पैटर्न इस रीजन के दूसरे कई देशों में देखा जा सकता है, जो 1980s के बाद ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। इस रिलेशन को एक शॉक के साथ चेंज करने से बेटर एक स्लो बट कंटिन्यूस शिफ्ट होगा, जिससे बिना स्ट्रेटजिक शॉक्स क्रिएट किए नेशंस अपने स्ट्रेटजिक गोल्स अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी नेशन की फ्यूचर सिक्योरिटी उसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है।
पंचिंग अबव वेट के झांसे में आकर कई देशों ने आज अपना स्टेटस केवल एक वेसल स्टेट की तरह बना लिया है, जो सुपीरियर पावर के डायरेक्शंस और कंट्रोल पे चलने को मजबूर हो चुका है। हमारे लिए इसका बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान है, जिसने इंडिया को काउंटर करने की स्ट्रेटजी में पहले यूएसए और करेंटली चाइना के हाथों अपनी सोवरेनिटी नीलाम कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चाइना को लेकर एक क्लियर साइटेड और बैलेंस अप्रोच स्टैब्लिश करना नेसेसरी है, जहां वो उसके एम्बिशंस को एक्नॉलेज कर दूसरे डोमेन्स में उसे चैलेंज कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया इस डोमेन में अपनी प्रायोरिटीज की लिस्टिंग कर ये डिसाइड कर सकता है कि किन फ्रंट्स पे उसे चाइना को अपोज करना है, जिसमें यूएस की हेल्प की डायरेक्ट जरूरत पड़ सकती है, और किन फ्रंट्स पे वो अकेले चाइना के लिए एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है। दूसरे एशियन प्लेयर्स जैसे इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम से भी इंगेजमेंट्स बढ़ाना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है, जहां रीजनल सपोर्ट के साथ वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है बिना यूएस हेजिमनी को एक्सेप्ट किए हुए। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लूपहोल्स को यूटिलाइज कर न्यूक्लियर सबमरीन एक्वायर करना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक चैलेंज बन सकता है, जहां आज तक न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की डिस्कशन हो रही है। ऐसे एक्शंस दूसरे देशों को नेगेटिवली मोटिवेट कर इस पहले से अनबैलेंस्ड गेम ऑफ पावर में न्यू थ्रेट्स डेवलप कर सकती हैं। रीजन में अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने का एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया गया है। 2005 में बने इस ग्रुप को इनिशियली चाइना को काउंटर करने के लिए क्रिएट किया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में यूएस के विड्रॉल के बाद इस पैक्ट को अब चाइना रिवाइव करने के प्रयास कर रहा है। ऑल्दो प्रेजेंट सिचुएशन में सभी मेंबर्स द्वारा चाइना का इस ग्रुप में एक्सेप्ट किया जाना कठिन है, लेकिन इस मूव के साथ चाइना अपने लार्जर स्ट्रेटजी को एक्सप्लिसिटली दुनिया के सामने रख रहा है। इन इवेंट से आने वाले समय में इंडिया के ऊपर भी इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिसके अंडर कोई फर्म स्टैंड लेना इंडिया के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। अफगान एग्जिट के बाद जहां एक ओर यूएस अपनी लॉस प्रेस्टीज को मेंटेन करने के प्रयास में है, वहीं दूसरी ओर रशिया एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह अपने टर्न का वेट कर रहा है। एयू के यूएस को एशियन वर्जन ऑफ नेटो की तरह देखने वाले रशिया एनपीटी के इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठाकर न्यूक्लियर सबमरीन्स और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस एयू के यूएस की, जिसे इंडो पैसिफिक रीजन में एक अपकमिंग वॉर थ्रेट की तरह देखा जा रहा है, स्पेशली स्मॉल पैसिफिक कंट्रीज के द्वारा, जो अपने रीजन में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को हैम्पर नहीं करना चाहते। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये एयू के यूएस डील चाइना को फोर्स करेगा न्यूक्लियर एग्रेसिवनेस की तरफ बढ़ने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,